चंपलू सादा 200 थ्री हॉर्स पेट के लिए काफी अच्छा रहता है, तो कुवैत में आना तो इसे जरूर पीना। ठीक ना, यहाँ पे बिरयानी कितने का मिलता है? डिनर और हाफ डिनर। वंस अगेन एलके हियर। यार अभी जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे हमारी आवाज गूंज रही है और आप लोगों को लेकर चलने वाला हूँ कुवैत सिटी में। 500 फिल्स में बिरयानी मिलती है और इतनी अच्छी बिरयानी मिलती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो जब भी कुवैत आना या कुवैत में हो तो कुवैत सिटी आकर के इस बिरयानी को एक बार ज़रूर टेस्ट करना। पूरे कुवैत में 500 फिल्स में बिरयानी कहीं मिलता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कुवैत सिटी में मिलता है। और कहाँ पर मिलता है, किस जगह पर मिलता है, किस लोकेशन में मिलता है, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और वहाँ पर ही लेकर जाने वाला हूँ। तो चलिए एक बार इस लोकेशन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं और आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है। आइए। सो यू कैन सी द प्लेस, देख रहे हो ऐसा है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ गूंज रही है। तो अभी इस लोकेशन पे मैं थर्ड पर्सन हूँ। एक पर्सन वहाँ पे खड़ा है जो आइसक्रीम बेच रहा है, दूसरा पर्सन वहाँ पे खड़ा है। तो ये है शुएख बीच। तो फिर चलते हैं। यार वेबकिंस, लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया यार मेरी वीडियो से। देख रहा हूँ आजकल वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे आप लोगों कहने पे। मैं कोई जॉब और कोई जॉब के डिटेल्स के बारे में वीडियो बनाने लगा था तो आजकल व्यूज़ नहीं आ रही है, क्या बात है। इससे अच्छा तो जो मैं व्लॉग्स नॉर्मल व्लॉग्स वीडियो बनाया करता था उस पर अच्छे व्यूज़ आते थे, क्या बात है। आप लोग मुझसे गुस्सा हो गए क्या? वीडियोज़ लेट में अपलोड कर रहा हूँ इसलिए गुस्सा हो गए क्या? तो सपोर्ट को ख़त्म मत करो यार, बने रहो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो यार, थोड़ा शेयर करो वीडियोज़ को, वीडियोज़ पर व्यूज़ लाओ। बस यही कहना था आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। हाय सोनिक, हाय, हेलो। तो ऐसे बच्चे जहाँ पर मैं देखता हूँ ना रुक जाता हूँ और मुझे बच्चे बहुत ही पसंद है, उनसे बातें करने लगता हूँ। और ये एक कुवैती का बच्चा था तो मैंने देखा, मैं व्लॉग कर रहा था तो सडनली मैंने ब्लॉग बंद कर दिया, उससे मिलने चला गया। तो यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली होते हैं लोग। सो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि एमएफके भाई फिल्स क्या होता है यार, ये केडी तो समझ में आता है कि एक केडी का 246 रुपये होता है, ये फिल्स क्या है। तो एमएफकेंस, फिल्स वो होता है जैसे कि इंडिया में 1 रुपये में 100 पैसा होता है, वैसे ही कुवैत में 1 केडी में 1000 फिल्स होता है। 100 फिल्स का होता है 24 रुपये 6 पैसे। तो 100 फिल्स का यहाँ पे कोई नहीं, उसके बाद 50 फिल्स का कोई नहीं, उसके बाद कुछ 20 फिल्स का कोई नहीं, उसके बाद 10 फिल्स का, उसके बाद 5 फिल्स का। तो ये रहे फिल्स की बात है, बाकी सपोर्ट नहीं आ रहे हैं तो सपोर्ट आने दीजिए भर भर के, आने दो। बाकी एक बार लोकेशन देख लो, सी साइड से हम लोग होते हुए जा रहे हैं और मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कुवैत सिटी में। और ये जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कह लो या होटल कह लो, ये है कुवैत सिटी में। तो आप लोगों को यहाँ पर आना है कुवैत सिटी, ये देख लो केएफसी। और ये एक बस स्टॉप है काफ़ी बड़ा सा कुवैत सिटी का, तो यहाँ पर आप लोगों को आना है। तो हमें इस रोड को क्रॉस करना है और उसके बाद उस रोड को भी क्रॉस करना है, तो चलते हैं फिर। हमें रोड को क्रॉस करना है, क्रॉस कर लेते हैं रोड को, इसे भी क्रॉस करना पड़ेगा। BMW, चलो भैया क्रॉस करो रोड को, उसके बाद आप लोगों को क्रॉस करते ही राइट में जाना है, ऐसे आपको शॉप दिखेंगे। क्या बात है, कुवैत में भी इतनी गंदगी, तो ऐसे छोटे छोटे शॉप दिखेंगे आपको, मार्केट्स दिखेंगे। सो आप लोगों को चलते जाना है। यहाँ पे बहुत महंगे बिरयानी मिलेंगे आपको, डेढ़ केड़ी तक के बिरयानी मिलेंगे। तो आप आ जाओगे इस साइड में और उधर में है UTC बिल्डिंग, उसके बाद हमें इधर आना है। ये KBE का पोस्टर दिखेगा, एक्सचेंज है ये KBE एक्सचेंज। यहाँ पर आपको एक खुला मैदान दिखेगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट दिखेंगे बिरयानी, और उसके बाद ये कोहिनूर रेस्टोरेंट यहाँ पे हमें मिलेगा कई सारे आइटम्स। बिरयानी है क्या?
बिरयानी है खत्म। अरे यार ना, यहाँ पे बिरयानी कितने का मिलता है? दिनार और हाफ दिनार। अरे यार शिट नैपकिंस, बिरयानी खत्म। अब तुम्हें आप लोग होटल दिखाया था, रुक जाओ। तो ये वो होटल है, कोहिनूर रेस्टोरेंट। बिरयानी खत्म, हमने लेट कर दिया और टाइम इज 5:44, 6 PM हो गया है, तो हमने थोड़ा लेट कर दिया। अगर थोड़ी और पहले आए होते तो बिरयानी मिल जाता। सो क्या ही कहें, थोड़ा बैठ जाता है क्योंकि बहुत ही चल के आया हूँ, उसके बाद बैठ के बातें करते हैं। सो माय डियर रेफ्रेंस, खाना चाहे 5-star का हो चाहे ढाबे का, खाने में टेस्ट होना चाहिए। बस डिपेंड ये नहीं करता है कि वो 5-star का है या ढाबे का है। जो मैंने बिरयानी का होटल दिखाया, ये एक छोटा सा होटल है, लेकिन यहाँ की जो बिरयानी है माशाल्लाह क्या टेस्टी रहती है यार, ज़बरदस्त लजीज रहता है एकदम, सस्ते का सस्ता है और टेस्ट में भी अच्छा है। ऐसी बिरयानी पूरे कुवैत में आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतना टेस्टी और इतना सस्ता। मैंने ये बिरयानी खाई है तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो जा करके एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर कुवैत में हो तभी भी, अगर कुवैत आ रहे हो तभी भी। ओके, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आ रहा था कि यार बंद ना हो जाए, आखिर बंद ही हो गया, बंद मतलब आखिर ख़त्म ना हो जाए, आखिर ख़त्म ही हो गया। सो कोई नहीं, अभी दूसरा रेस्टोरेंट बाकी है, वहाँ पर चलते हैं। और वहाँ पर भी 750 फिल्स, 750 फिल्स का बिरयानी मिलता है। सो एक KD से कम ही है, बाकी आप पूरे कुवैत में कहीं पे भी चले जाओ, एक KD रुपए का बिरयानी मिलता है। तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से बिरयानी ले लेते हैं 750 फिल्स का। ओके, तो चलिए जी चलते हैं वहाँ पर। तो जो लोग इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर समोसा भी मिलता है, कांदा भजिया भी मिलता है, दो टाइप का भजिया यहाँ पे, और वड़ा भी है, और मिर्ची भजिया भी है, इडली सांभर सब कुछ मिलता है यहाँ पर। मुँह में पानी नहीं आना चाहिए। आप खुल जाए भाई, ये ट्रिपल हॉर्स, कुवैत में आना तो ये ट्रिपल हॉर्स ज़रूर पीना, पेट के लिए अच्छा रहता। चंपलो सादा 200 का है, ये 3 हॉर्स, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो कुवैत में आना तो इसे ज़रूर पीना। तो एफकेस, ये जो मैंने बिरयानी ली है ये मैंने 750 फिल्स में ली है, नूस केडी के बाद हाफ दिनार के बाद ये आता है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। तो ये मैंने उस होटल के बाजू से लिया है, तो इसे भी आप ले सकते हैं और ये भी काफ़ी टेस्टी रहता है। तो एफकेस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और किसी और प्लेस के साथ। तो आई एम रियली सॉरी कि मुझे जाने में लेट हो गया, तो इंशाल्लाह फिर किसी और ब्लॉग में किसी और वीडियो में मैं बिरयानी दिखा दूंगा। वैसे आप लोग अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पे चले जाना और बिरयानी लेकर खाना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो जाइए और लीजिए बिरयानी और खाइए, बस मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बाबा टेक केयर, खुदा हाफिज़, श्री मोहन।